तो नमस्कार दोस्तों, और ये नई जॉब की नोटिफिकेशन आई हुई है। ये होना है कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जसपुर, और इसका जो इम्पोर्टेंट जो डेट्स है वो हम देखेंगे। एक जून 2023 लेकर 30 नवंबर 2023 की अवधि के लिए जो है सहायक ग्रेड 3 की संविदा नियुक्ति है। और दूसरा है कलेक्टर दर पर। ये कलेक्टर दर क्या होता है इसके बारे में अलग से वीडियो बनाया हुआ है मैंने, ये वाला आप वीडियो देख लीजिएगा। कि 5 पदों की स्वीकृति अनुसार पदों की पूर्ति होती निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20 जून तक आमंत्रित कीजिए। आवेदन क्या है, ये ऑनलाइन है, ठीक है ना। तो ये अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी हो देखते हैं। तो पद की संख्या थी सहायक ग्रेड 3 के लिए कुल पद है 5। अब यहाँ पर देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है, 0 पद। तो आप लोग सोच रहे हो कि जो है तो अन्य पिछड़ा वर्ग में हूँ, मैं क्यों डालूंगा इसमें, या फिर मैं अन्य पिछड़ा वर्ग में हूँ अब मैं क्यों अन्य पिछड़ा वर्ग लिखूँ, मैं अनारक्षित लिख देता हूँ ना। तो इन सब समस्या के लिए ना ये वाला वीडियो है, ये आप देख लीजिएगा। कलेक्टर दर के लिए आपने के लिए मैंने पहले बता ही दिया है कैसे करना है आपको। 5 पद है इसमें भी, अनारक्षित में 2 और अजाजा में 3 पद। तो योग्यता ले लीजिए, तो 12वीं पास है, उसके बाद 1 साल का डिप्लोमा चाहिए, जो कोपा हो सकता है, पीजीडीसी हो सकता है, डीसी हो सकता है, और उसके साथ 5000 के डिप्रेशन की स्पीड चाहिए। ये स्पीड कैसे आपको अचीव करना है ना, उसके लिए ये वाला जो सीरीज़ है ना आप देखिएगा। भृत्य संविदा पद है तो आवश्यक योग्यता तो 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मानदेय देखिए तो कालम नंबर 8 में उल्लेखित राशि प्रति माह भुगतान होगी, इसके अतिरिक्त कोई वेतन महंगाई भत्ता आदि जो है नहीं होगा। तो ये देख सकते हैं कालम नंबर 8 14,200, और ये कलेक्टर दर। कलेक्टर दर पर अभी कितना वेतन मिलता है ये आप वो जो वीडियो बताया ना उसमें आप देख लीजिएगा, मैंने पूरा डिटेल बता दिया। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा कितना होता है, आयु सीमा होता है 18 से कहना चाहिए 35 और सभी छूट मिलाकर 45 वर्ष, जिसमें SC ST OBC को 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलता है। नियम एवं शर्तें तो नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है ना, और 30 नवंबर 2023 तक स्वयमेव क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, जिसके लिए पृथक से आदेश जारी नहीं किया जाएगा। संविदा पर नियुक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा 1965 जो नियम है उससे जो है शासित होंगे। आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, एक जीवित पंजीयन भी होना चाहिए उनका। आवेदक विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक एवं अर्हताओं के अनुरूप अपनी अर्हता की जाँच स्वयं सुनिश्चित कर लें तथा अर्हता की समय शर्तों को पूरा करने की स्थिति में पूर्णतः संतुष्ट होकर ही आवेदन करें। आगे देखते हैं, NOC देना पड़ेगा जो कार्यरत हैं पहले किसी सेवा में। मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त होने पर जन्मतिथि के आधार मानकर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्रवीणता सूची में स्थान दिया जाएगा। अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पर होने के पश्चात वह नियमितीकरण के लिए किसी प्रकार से दावा नहीं करेगा। संविदा नियुक्ति के विरुद्ध दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 1 माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में 1 माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। चयनित अभ्यर्थी को निर्धारित समय और पदस्थापना स्थल पर अपनी उपस्थिति देना अनिवार्य है। यदि पूर्णांक प्राप्तांक की जगह ग्रेड पद्धति से अगर मूल्यांकन किया गया है, तब संस्था स्कूल से परीक्षा उत्तीर्ण की गई है, उस संस्था स्कूल से उक्त ग्रेड को पूर्णांक प्राप्तांक एवं प्रतिशत में परिवर्तित कर प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ठीक है ना। ये आपको कैसे करना है ना, ये आप देख लीजिए। एक लड़के का ये मेरे को, मैंने इसको बताया था ऐसे करना कह के, ऐसा आप करना है। चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया कैसे देख लीजिए, जिले के वेबसाइट में ऑनलाइन के माध्यम से दिनांक 20 जून तक फॉर्म भरा जाएगा। कार्यालय में सीधे अथवा डाक से आवेदन जो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान में आवश्यक जानकारी, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और अन्य दस्तावेज अपलोड करना होगा। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे आवेदन के निरस्तीकरण के संबंध में पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी। अतः आवेदन भरने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन के सभी कॉलम भरे हों। ये जो ऑनलाइन आवेदन है ना, इसका वीडियो ना मैं बनाऊंगा सोच रहा था, लेकिन मेरे को 3-3 वीडियो ना ऑनलाइन आवेदन का मेरे डिलीट कर देता है यूट्यूब, और इसलिए ना मेरे को अच्छा नहीं लगता। अगर आपके पास, आप यूट्यूबर हो या फिर ऐसे जानकारी है कि कैसे यूट्यूब जो है वीडियो को डिलीट ना करे, तो ये जानकारी मेरे को ज़रूर बताइए। और देख रहा हूँ अगर बनेगा तो ये ऑनलाइन आवेदन का डालूंगा, नहीं तो डिलीट कर देता है यूट्यूब बार बार। आगे देखते हैं, पात्र अपात्र की सूची, मेरिट सूची, आवश्यक सूचनाओं का प्रकाशन तथा चयन परीक्षा के संबंध में जानकारी जिले की वेबसाइट में प्रदर्शित किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि सुधार है तो आवेदन करने की अंतिम तिथि के 3 दिन पश्चात जो 3 दिन तक जो है समय दिया जाएगा, अच्छी बात है। प्रिंट आउट जरूर अपने पास रखें। दावा पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय अवधि में अपना ऑनलाइन सुधार किया जाना होगा, इसके पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगा।
विज्ञापन में तथ्यात्मक त्रुटि, लिपिकी त्रुटि चयन के किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है। चयन उपरांत आवेदक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन दस्तावेज का मूल दस्तावेज से मिलान जो है किया जाएगा। सहायक ग्रेड थ्री के पद के लिए कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी ना, ये कौशल परीक्षा सहायक ग्रेड थ्री के लिए होता ही है। सहायक ग्रेड थ्री के पदों के लिए 60 अंक, देखिए 60 अंक शैक्षिक में हैं, 20 अंक कौशल परीक्षा में हैं, और निर्वाचन कार्य में यदि आपने कार्य किया है तो 20 अंक उसमें से है, तो कितना हुआ 60 20 80 20 100। भृत्य पद के लिए 60 अंक शैक्षिक योग्यता, 20 अंक अधिकारी शिक्षा, निर्वाचन कार्य में कार्य अनुभव के लिए प्रत्येक वर्ष 4 अंक के हिसाब से 20 अंक, तो 60 20 80 20 100 याद रखें ना। भृत्य में यहाँ पर एक परीक्षा होगा बोल रहे हैं। कौशल परीक्षा अधिकारी परीक्षा मेरिट सूची से प्रायिकता क्रम के आधार पर 10 गुना जो है अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी जो है मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। विवाद की स्थिति में कलेक्टर वो जो है अधिकारी होगा निर्णय लेने के लिए। तो हम इसमें देखते हैं कि कहाँ होगा आवेदन, तो आपको मैं बता देता हूँ आवेदन का लिंक आपको कहाँ मिलेगा। तो चलिए jaspur.gov.in चलते हैं और यहाँ हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर नोटिस में भर्ती में आइए और उसके बाद ये देखिए ये वाला ऑनलाइन आवेदन हेतु क्लिक करें तो ये ले लीजिए, ओके कीजिए, ये खुल गया। यहाँ पर आपसे आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद जो है आपको आगे प्रोसेस करना है। तो धन्यवाद दोस्तों, बन सकेगा तो मैं इसका वीडियो जो है अपलोड करूँगा, लेकिन नहीं बने तो आप नीचे कमेंट कर लीजिएगा कि आपको क्या हेल्प चाहिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।